की, ना हॉस्टल की व्यवस्था की, ना कॉलेजों की व्यवस्था की। 70 साल मैं आदिवासी जहां का तहां आज भी विकास की इंतजार कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं पूर्व सरकार का जो बता रहा हूं कि इन्होंने क्या क्या अपने सरकार में घोषणा की थी, 2023 में इनका जो घोषणा पत्र था उसके अंदर इन्होंने कहा था, जन घोषणा पत्र में 13, 25 और उनकी उसकी क्रम संख्या 5 पर उन्होंने ये लिखा था, आपदा आपका वादा आपका वचन आपकी घोषणा। मैं बताना चाहता हूं, हमारे यहां पर जनजाति पूर्व मंत्री महोदय नहीं है, वास्तव में उन्होंने मेरे को बीच में बोलने से भी रोका पूर्व सरकार में, और उन्होंने ये भी कहा राठौड़ साहब को कि ग्रामीण विधानसभा में फूल सिंह जी को क्यों भेज रखा है। मैंने हरीश जी ने भी कहा था कि आप वहां से यहां आकर राजनीति कर रहे हो, चौधरी साहब भी आए थे उदयपुर। मैं धन्यवाद देता हूं ग्रामीण विधानसभा की आम जनता का कि उन्होंने जो मुझे मौका दिया, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास किया, और इन्होंने पूर्व सरकार ने मेरे विधायक फंड को भी रोक दिया, 5.5 करोड़ रुपए मेरे विधायक फंड का जनता के जो जनजाति के अंदर, चाहे स्कूलों में कमरा हो और चाहे सड़क हो, सामुदायिक भवन हो, पानी का हैंडपंप हो, चाहे पनगट हो। मैं तो धन्यवाद देता हूं भजन लाल जी सरकार को कि आते ही पहले इन्होंने, मैं भी बिल्कुल इनका मानसिकता समझ ली थी, मगर मैंने एस निकलवा दी, इस वजह से वो पैसे लैप्स नहीं हुए। बाकी पूर्व सरकार ने तो डीएमएफटी फंड का भी रोक दिया, हमारे यहाँ पर पीएचडी का जनजाति मंत्री जी ने जो वास्तव में घोषणा की थी, इतना देंगे, मगर अधिकारियों को कह दिया कि यहाँ ग्रामीण विधानसभा में कुछ मत करवाना। जो आज भी मेरे सौर ऊर्जा की पनगट हो, चाहे हैंडपंप हो, चाहे सीसी सड़क हो, सारे के सारे काम मेरे रोक दिए गए, पर फिर भी जनता ने भरपूर मदद की। 2013 में 13,764 वोटों से जिताया, 18 में 18,707 वोटों से जिताया, और इनके ब्रेक लगाने के बाद भी जनता ने 27,345 वोट से जीता कर यहाँ पर मेरे को उनकी समस्या को समाधान करने के लिए भेज दिया। यही नहीं, इन्होंने वादा किया था कि NRHM एवं NHM कर्मी, उर्दू पैरा टीचर, लोक जुम्मेश कर्मचारी, आंगनबाड़ी कर्मचारी, विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायक आदि अनेक ऐसे वादे किए थे कि आपके पैसे बढ़ा देंगे, 15% हम आपका ये मानदेय बढ़ाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं तो धन्यवाद देता हूं कि पूर्व सरकार ने वास्तव में 4 साल तक कुछ नहीं किया, मगर हमारे भजन लाल जी ने आते ही पहले सारे के सारे, कांग्रेस ने पहले वादा जरूर किया था मगर उन्होंने पूरा नहीं किया, भजन लाल जी ने आते ही पहले 15% सबका बढ़ाकर उनको राहत प्रदान की। ये भारतीय जनता पार्टी की काम करने की जो वास्तव में कार्यशैली है। सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार के लिए मैं क्या कहूं, मैं तो बहुत 5 साल तक यहां बोल बोल कर थक गया। इन्होंने ये कहा था कि हम गौरव पद का नाम बदल देंगे, विकास पद रखेंगे। सभापति महोदय, 1 किलोमीटर वो विकास पद नहीं दिया, 1 किलोमीटर भी। मेरी वो जनता इंतजार करती रही और गौरव पद वास्तव में बदल कर इन्होंने विकास पद किया मगर नहीं दिया। किसान निधि के अंदर भी हमारी सरकार ने 6,000 से बढ़ाकर 12,000 करने का वादा किया, और पहली किस्त इन्होंने, भजन लाल जी ने किसानों के खाते में डालकर वास्तव में हमारे को बहुत बड़ी, किसानों की कोई नहीं सुनता था,
जो किसान बेचारा फसल बोने के टाइम पर बीज के लिए और इसके लिए इधर उधर खाद के लिए दौड़ता था, मगर मोदी जी ने 6000 किसान निधि के लिए जो दिए और उसको बढ़ाकर पूर्व सरकार ने किसानों की बातें खूब की, मगर एक रुपया इनको फायदे का नहीं दिया। यही नहीं, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की भजन लाल जी की सरकार ने हमारे लिए जो किसानों की किस्त डालकर बहुत बड़ा किसानों को राहत प्रदान की। यही नहीं, महिलाओं के लिए जो सिलेंडर के अंदर 450 रुपये का जो वास्तव में 4 साल इंतजार नहीं की, 450 रुपये देकर आम जनता को इन्होंने राहत प्रदान की। सभी संविदा कर्मियों का भी मतलब 15 पैसे बढ़ाकर जो हमारे भजन लाल जी ने उन गरीबों के लिए जो किया, वास्तव में मैं धन्यवाद देता हूँ। और अब मैं बताता हूँ कि इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय खोल दी, मगर उनके अंदर न तो टीचर लगाए और न हमारे वहाँ पर भवन है न जमीन है। मैं बारापाल पंचायत की बात करूँ, वहाँ पर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय खोल दी, अब हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? वो बेचारे इधर उधर भटकते फिरे। आज भी 12वीं तक ये अंग्रेजी विद्यालय तो है मगर भवन नहीं है। उनकी जमीन अलॉटमेंट कर दी मगर एक कमरा तक 5 साल में नहीं दिया। सभापति महोदय, आज हमारे 12 साल के बच्चे हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ने वाले 8वीं के बाद में बच्चे कहाँ जाए, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की। तो मुश्किल लग रहा है, कोई व्यवस्था नहीं की। हमारे आदिवासियों के साथ में खिलवाड़ किया, खैर जनता ने इनको जवाब दिया। मगर मैं सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वास्तव में जब 10-10 किलोमीटर तक हिंदी माध्यम स्कूल नहीं होती है तो बच्ची को वहां पर कहां स्कूल के लिए भेजे, वो पढ़ाई छोड़ देती है, बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है, उदयपुर में मजदूरी के लिए निकल जाता है। पूर्व सरकार में 2018 से 2023 तक रही, मगर जनजाति एरिया में विकास की बात तो दूर कोई काम नहीं करवाया। हमारे रतनलाल मीणा जी शहीद हुए थे, वो 2002 में हुए थे, मगर वहां पर लाइट नहीं थी। लाइट भी मैंने 2013 में आकर और वहां पर लाइट का एक उजाला करवाया। जब दीनदयाल ज्योति योजना में भी नहीं गई, उसके बाद में भी जो वास्तव में वहां पर रोड की जो जरूरत पड़ी तो रोड भी ये वादा कर लिया, चुनाव जीत लिए, प्रधान बन गए, सब कुछ बन गए, मगर वहां रोड की एक कंकर भी नहीं लगाया, कंकर भी। वो भी मैंने विधायक फंड से वन विभाग के अंदर जो वास्तव में मेरे सामने लड़ने वाले वहां का सरपंच हमारा बीजेपी का था, उसको गुमराह किया, बोला कि मेरी सरकार है और मैं ये रोड बना दूंगा। रतनलाल बेचारा वास्तव में आज भी उनका परिवार उस रोड की इंतजार करते रहे। मैंने भी देखा कि पार्टी पॉलिटिक्स कुछ नहीं, हमारा शहीद रतनलाल पूरा मेवाड़ संभाग के अंदर एक ही शहीद हुआ और उसके गांव तक रोड नहीं बनी। मैंने देखा बना देंगे इनकी सरकार है, 4 साल तक मैं इंतजार करता रहा, वहां ये कंकर नहीं लगा। जब मैंने वन विभाग से इनसे आग्रह किया कि मेरे कोटे से बनाओ मगर कम से कम आने जाने का रास्ता तो करवाओ, मैंने 20 लाख मेरे कोटे से विधायक फंड से देकर वहां पर आने जाने का रास्ता करवाया। ये कांग्रेस केवल वादा करने वाले हैं, उन्होंने कोई हमारा जनजाति परिवार के लिए कोई कुछ नहीं किया। वही जो हमारी बड़ी उंदरी जो स्कूल है वो 12वीं तक है और वहां पर कमरे 6 है, 2 शिफ्टों में चल रही है, विद्यार्थी 600-700 के बीच में है, अब वो कैसे पढ़ाई करते हैं? बरसों से इनको वोट दिया मगर वहां पर एक कमरा तक नहीं दिया। डीएमएफटी फंड में मैं देने लगा तो उस मेरे डीएमएफटी फंड को भी इन्होंने रोक लिया। सभापति महोदय, इनकी कहां मैं क्या क्या कहूं,
मेवाड़ बागड़ मेवाड़ के क्षेत्र में निरक्षरता और निर्धनता का लाभ उठाकर भोले भाले मासूम जनजातियों का धर्मांतरण किया जा रहा है। एक ही घर परिवार में सांस्कृतिक बिखराव पैदा हो रहा है। धर्मांतरण के माध्यम से सामाजिक विखंडन का कलुषित माहौल पैदा किया जा रहा है। सभापति महोदय, ऐसे धर्म परिवर्तन करने वाले और ऐसे धर्म परिवर्तन हमारे आदिवासियों का आरक्षण खाने वाले, इसके ऊपर कोई ऐसा नियम बनना चाहिए जो अगर धर्म परिवर्तन होता है तो जैसे एसी के अंदर जो धर्म परिवर्तन हो जाता है तो स्वतः ही उनका आरक्षण बंद हो जाता है, वैसे हमारा एसटी में भी अगर धर्म परिवर्तन होता है तो उनका आरक्षण बंद करने की कोई योजना बनाई जाए ताकि उनको डबल फायदा मिल रहा है। हमारा आदिवासी परिवार मतलब है अपना धर्म में बैठा है तो उनको कुछ नहीं है, उनके विदेशों से धर्म परिवर्तन करने के बाद में अनेक लाभ मिलता है। मैं आपको सभापति महोदय बताना चाहता हूँ, चुनाव आते हैं और उसे कोई गरीब परिवार को गुमराह करके उनको ये कहते हैं तुम्हारे यहाँ पर हम ट्यूबवेल खोद रहे हैं, पनघट लगा रहे हैं, और जब हमारे को पता पड़ता है तो हम कहते हैं ये तो मेरे पैसे से कर रहा हूँ, और उससे पैसे कितना लेता है, 2,000 या 5,000 और 2.5 लाख की पनघट लगती है, ऐसे गुमराह कर रहे हैं तो उनको डबल फायदा हो रहा है। तो मैं मंत्री महोदय हमारे पास में बैठे हैं, मंत्री महोदय नोट करो, जो हमारे आदिवासियों का आरक्षण का लाभ लेने वालों पर ब्रेक लगाने के लिए कोई न कोई ऐसा प्रावधान लाए और हमारे इन आदिवासियों का भला करने की सोचे। ये भ्रमित युवा ही पथराव धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उनको रोजगार नहीं है और उनको यह भ्रमित युवा ही पथराव और अपराधी में संलग्न होते जा रहे हैं। क्षेत्र में भय का माहौल बढ़ता जा रहा है। धर्मांतरण के विरुद्ध सख्त कानून बनाने का जो मैंने कहा है उस पर कुछ करें, साथ ही धर्म करने वालों का लिए भी मैंने कहा आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। यही नहीं, राज्य सरकार से निवेदन है कि भगवान बिरसा मुंडा, राणा पूजा, वीर बाला, जो वास्तव में आपने जो हमारे कालीबाई, शहीद रतनलाल जी, मीणा जैसे जनजाति महानायकों के जीवन पर फिल्म बनाने के लिए निर्माता को प्रेरित करें, उन्हें आर्थिक सहयोग करें, क्योंकि सिनेमा एक लोकप्रिय माध्यम है, इससे जनजातियों के भारत देश और राजस्थान के विकास में योगदान सबको पता लगेगा और विखंडन वाले षड्यंत्रकारी असफल होंगे। पिछली सरकार के दौरान मैंने जनजाति विभाग के हॉस्टलों में बायोमेट्रिक मशीन लगाने के लिए कहा था, बायोमेट्रिक मशीन लगी भी मगर उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि जनजाति छात्रावास में बालक कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, बायोमेट्रिक से उनकी वस्तु स्थिति का मालूम पड़ता था, मगर उनको भ्रष्टवाड़ा में लीन होना, कौन कहाँ से मिले उनको पैसे, इसलिए वह मशीनें बंद कर दी। मैं मंत्री महोदय आपसे आग्रह करता हूँ कि बायोमेट्रिक मशीन वापस लागू करें और उन जनजाति छात्र छात्राओं की बराबर मॉनिटरिंग करके उनके जो वास्तव में खाते में जो पैसे आ रहे हैं बराबर जाए, फालतू जो आते हैं उन्हीं का उनको लाभ मिले। जनजाति बच्चों की पढ़ाई और स्वर्णिम विकास का पैसा भ्रष्टवाड़ा के भेंट नहीं चढ़े। सरकार को जनजाति पर्यटक के लिए विशेष कार्य योजना बनानी चाहिए। पर्यटक हमारे घरों में ठहरे और हमारे वास्तव में पर्यटक के लिए कोई ऐसी मंत्री महोदय योजना बनाए। हमारा आदिवासी का जो कैसा कल्चर है, कैसे रहते हैं, और वो ये पर्यटक अगर हमारे वहाँ आदिवासी के यहाँ पर जाकर कोई भोजन करेगा, चाय पिएगा, वहाँ के बारे में देखेगा, तो हमारा आदिवासियों का वास्तव में राजस्थान में ही नहीं पूरा देश के अंदर प्रचार प्रसार होगा। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने इस बजट में आदिवासी विद्यार्थियों का
मेज भत्ता बढ़ाकर 3,000 से 4,000 किया है। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे जनजाति के लिए बहुत कुछ करने का जो आपने जो वादा किया उस पर खरा उतर रहे हैं। मेरा सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों से भी यही अनुरोध है कि पाई पाई का सदुपयोग बच्चों के विकास और उनके जीवन के लिए करें। सभापति महोदय, राज्य योजना से जनजाति उपयोजना में मांग संख्या 30 की प्रगति 2023 और 24 के अंदर जो पूर्व सरकार ने जनजाति उपयोजना मद से 26,918.63 करोड़ रुपए प्रावधान के विपरीत माह दिसंबर 2023 तक केवल 14,046.76 करोड़ ही खर्च किया। ये हमारे आदिवासियों का पैसा तो घोषणा कर देते हैं मगर उनका बजट को धरातल पर उतारने का उनका मतलब है पुराना जो दर्रा है उसको बरकरार रखा। सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि 2023 में जब इन्होंने 1,84,64,449 रुपए खर्च करने के लिए रखे थे मगर उसने खर्च कितना किया 14,04,675.72 करोड़ रुपए ही खर्च किए। ये पैसे अगर हमारे विकास के अंदर लगते तो मैं ये कहता हूं कि हमारा जनजाति का उद्धार होता और उनके लिए कुछ न कुछ आधारभूत सुविधा मिलती। मैं आपको बताना चाहता हूं सभापति महोदय, मैंने अभी एक प्रश्न लगाया था कि पूर्व में जो अभी हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण विधानसभा में कितने उप स्वास्थ्य केंद्र में कितने पद स्वीकृत है और कितने रिक्त है और कितने भरे हुए हैं, तो मेरे जवाब में आया है कि 91 पद तो स्वीकृत है और सीएससी हमारे जो वास्तव में 10-12 सीएससी है जिसमें 91 स्वीकृत है, केवल 36 में कार्यरत है और 55 पद आज भी रिक्त है। मंत्री महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि पूर्व सरकार ने तो अपना 5 साल में हमारे आदिवासियों के लिए भला नहीं किया मगर आपसे उम्मीद है कि कम से कम स्वास्थ्य के लिए हमारी जनजाति बस्ती कहां जाएगी उसके लिए ये रिक्त पदों में भी भर्ती करवा के आप हमारे को राहत प्रदान करेंगे, क्योंकि ये मेरे प्रश्न में के जवाब में आया है, ये मैंने आपके बीच में रखा है। सभापति महोदय, सेंट्रल सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे को बोलना तो बहुत कुछ है मगर बोलना कहां से शुरू करूं कहां रहूं, मेरा तो सारा बाकी रह गया मगर पूर्व सरकार ने कुछ भी नहीं किया। मैं तो आपको बताना चाहता हूं कि जनजाति एरिया के अंदर आपको बताऊं, मैं मंत्री महोदय मोटा मोटा पॉइंट कह दूं, प्रताप जी कह रहे हैं 5 मिनट रह गया, मैं तो घड़ी की तरफ देखा ही नहीं 25 मिनट कब निकल गया। एक छात्रावास खोली थी इन्होंने 2021 में और 4,05,00,000 रुपए इन्होंने मंजूर किया था खेलगांव में, खेलगांव में 4,05,00,000 रुपए का मंजूरी की थी मगर इनके मंत्री महोदय ने कहा था काम चालू है मगर अभी तक उसकी जमीन का पता नहीं है। मैं आपसे खेल छात्रावास के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे आदिवासियों के लिए ऐसा नहीं हो, आप तुरंत प्रभाव से उस खेल छात्रावास को आप चालू करवा के और जमीन अगर नहीं है तो ये जमीन का बहाना कर रहे थे, अब ये सरकार के अंदर जमीन का बहाना नहीं हो और आपसे उम्मीद है भजनलाल जी जो मुख्यमंत्री बहुत ही जनजाति के लिए सोचने वाले हैं, दिया कुमारी जी ने खूब दिया है मगर आप और बैठे जमीन अलॉटमेंट खराब साहब यहाँ बैठे हैं, हमारे यूडीएम मंत्री महोदय आप
हमारे आदिवासियों के लिए जमीन का जो आवंटन करवा के उस खेल छात्रावास पूरे राजस्थान के खिलाड़ी वहां आते हैं और वहां पर ये अगर कुल छात्रावास बन जाएगी 7 मंजिला इमारत का पैसा है तो हमारे आदिवासियों का भला होगा। पूर्व हमारे मंत्री महोदय नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ कि पूर्व में आदिवासी इलाके में मंत्री आए TADA का फंड हमारे बाबूलाल जी हमारे जनजाति मंत्री महोदय मैं बता रहा हूँ एक का कि वास्तव में अभी मैं बताऊं कि बांसवाड़ा में 1202 कार्य स्वीकृत किए पूर्व में और 220 करोड़ 10 लाख रुपए इन्होंने बांसवाड़ा में दिए। नोट करना मंत्री महोदय, वापिस मांगने आएंगे ये हिसाब लेना। और उदयपुर ग्रामीण में 141 काम दिए और 29 करोड़ 5 साल में दिया और मेरे कहने से नहीं दिया, जो उनके सेटिंग थी उनके माध्यम से इन्होंने दिया है। कोई बात नहीं, मेरे विधानसभा में 29 करोड़ रुपए लगे, ये बड़ी किस्मत थी मेरी जो ये लगा। यही नहीं, डूंगरपुर में 255 काम दिए, 66 करोड़ दिए। बागीदोरा में 180 काम, 32 करोड़ 38 लाख दिए। प्रतापगढ़ में 244 करोड़ काम दिए और 80.46 करोड़ रुपए दिए। दरियावत में 230 काम दिए, 21 करोड़ रुपए दिए। ग्रामीण विधानसभा को इन्होंने केवल लावारिस छोड़ दिया। गोकुंदाकार इनका भी लिया मगर समय नहीं है, मैं मेरी बात कर दी। मंत्री महोदय मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरी मांग तो रख दूं, मेरे जो वास्ते में शीघ्र पूर्ण करें माननीय सदस्य। कक्षा संकाय खोलनी है मेरे आदिवासी परिवारों में, मगर एक उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय कि RPC द्वारा एक वर्ष आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में SC ST वर्ग में आरक्षण नियमों के अनुसार पद आवंटित नहीं किए गए हैं, जिससे आरक्षित वर्ग के लाखों विद्यार्थी परेशान है। 2014 की भर्ती में बैंक क्लर्क के 153 पदों को शामिल नहीं किया गया, इसमें SC के 87, ST के 66 पद खाली है। अगली भर्ती परीक्षा 2021 में हुई, इसमें 2014 भर्ती के बैंकलॉन्ग शामिल नहीं किए गए हैं। रोस्टर को RPSC में सही ढंग से लागू नहीं किया गया तथा अधूरी जानकारी दी गई। रोस्टर रजिस्टर में 1986 की भर्ती में EWS वर्ग लिखा गया, जबकि ये कैटेगरी 2019 में शामिल की गई थी। वही MBC वर्ग के पद भी गलत लिखे गए, क्योंकि यह वर्ग 2007 में ही शामिल किया गया था। इस लिहाज से 2007 से पहले के सभी MBC वर्ग गलत है। रोस्टर में रिटायर्ड कर्मचारियों की भी जानकारी नहीं दी गई है। अतः RPS द्वारा भर्ती में रोस्टर को सही ढंग से लागू किया जाए और आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को राहत प्रदान की जाए। सभापति महोदय, 2 मिनट और लूंगा। सभापति महोदय, अनुसूचित क्षेत्र, मांडा क्षेत्र, शहरिया क्षेत्र, लगभग 85,000 बालक बालिकाओं के लिए 2,834 माँ बाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है एवं 325 भवन माँ बाड़ी केंद्र के भवन और निर्माण की भी 309 माँ बाड़ी केंद्र में। सदस्य सभापति, 2 मिनट
माननीय मुख्यमंत्री जी ने 250 मीन माबाड़ी केंद्र खोलने का जो वास्तव में बजट घोषणा में किया, 15% वृद्धि करने की का जो बजट घोषणा में किया, वास्तव में सभापति महोदय बोलना तो बहुत है, मगर मैं मांग करता हूँ कि मंत्री महोदय हमारी जो मापाड़ी का जो हम देवे उसको आप जरा प्राथमिकता में लेकर मापाड़ी आंगनबाड़ी और विद्यालय में कक्षा कक्ष नहीं है उसमें दोनों शिक्षा मंत्री और यहाँ पर बैठे भवन भी नहीं है जमीन भी नहीं है ऐसी स्थिति में एक मिनट चौधरी जी एक मिनट मेरे सभापति महोदय एक मिनट सभापति महोदय देवाली ग्राम पंचायत में 12वीं तक स्कूल है तीन कक्षा कक्ष है जमीन नहीं है वो कैसे पालक पढ़ते हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी भी है यूडीए मंत्री जी भी है और हमारे जनजाति मंत्री भी है उस देवाली पंचायत के स्कूल को जमीन देकर भवन का निर्माण